विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसे इस खूबसूरत माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद एक बार फिर बाघों की दहाड़ सुनाई पड़ी है। राज्य के ही अलग अलग नेशनल पार्क से लाकर पहले चरण में 2 बाघों को यहां पर बसाया गया है। इस मौके पर माधव नेशनल पार्क में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे, जिन्होंने बाघों को उनके बाड़ों में रिलीज किया। हालांकि अभी ये बाघ 10 से 15 दिन तक निगरानी में रखे जाएंगे और फिर उसके बाद उन्हें 375 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कश्मीर की इन हसीन वादियों में बेटियां सीख रही हैं बर्फ पर बाजीगरी। स्कीइंग स्टिक हाथों में लिए ये सर्राटे से बर्फ पर फिसल रही हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, तो कोई बर्फ पर अभी संतुलन बनाने की कोशिश में है। तस्वीरें उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग शहर की हैं, जहां स्कूल की छात्राओं को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से जोड़े रखने की मंशा से स्कीइंग सिखाई जा रही है। लड़कियों के ट्रेनर भी प्रोफेशनल हैं, जो उन्हें स्कीइंग से जुड़ी हर बारीकी से रूबरू करवाते हैं। श्रीनगर के कई सरकारी स्कूलों की करीब 45 छात्राएं यहां स्कीइंग का हुनर सीख रही हैं। जम्मू कश्मीर का यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स निदेशालय हर साल ऐसे कोर्सेज चलाता है ताकि बेटियों के हुनर को तराशा जा सके। दिल्ली के चटकारों को, दिल्ली के जायके को मिल गया है नया ठिकाना। राजधानी में लग रहा है स्वाद का मेला। यहाँ पकवानों की बहार है, नजारा ऐसा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं, तो चले आइए राजधानी के टूरिज्म एंड फूड फेस्टिवल में, जहाँ कई किस्म के पकवान आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि सभी की एंट्री फ्री होगी। स्वाद के इस मेले का वक्त भी लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक यहाँ लजीज व्यंजनों का आप लुत्फ उठा सकते हैं और अपने वीकेंड को बना सकते हैं स्पेशल। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत मुंबई पहुंचा। पिछले ही साल इस युद्धपोत को नौसेना को सौंपा गया था। इसके बाद से इस जंगी जहाज पर लगातार नौसेना कई तरह के ऑपरेशन कर रही है। इसके जरिए इसकी ताकत को परखा जा रहा है। विक्रांत 40,000 टन वजन वाला विमान वाहक युद्धपोत है, जिस पर 30 एयरक्राफ्ट की तैनाती होनी है। इनमें 20 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इनमें से कुछ की तैनाती चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी गई है। हाल ही में इस युद्धपोत के डेक पर स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का नेवल वर्जन सफल लैंडिंग कर चुका है, जो सामरिक क्षमता के लिहाज से किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना INS विक्रांत 662 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। ये युद्धपोत एक बार में 7,500 नॉटिकल मील यानी करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेमंत सोरेन संथाली महिलाओं और पुरुषों के साथ ढोल बजाते हुए जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन रामगढ़ जिले में अपने पुश्तैनी घर नेमरा पहुंचे थे, तो उनके स्वागत में स्थानीय लोगों ने ढोल बजाया और हेमंत सोरेन भी खुद को इस दौरान रोक नहीं पाए, वो भी लोगों के साथ खूब थिरके। हेमंत सोरेन का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने परिवार के साथ रीति रिवाज से कुल देवता की पूजा की और पारंपरिक तरीके से प्रसाद ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने और बड़ी बड़ी कंपनियां इस रोजगार मेले में हिस्सा ले रही हैं और युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही हैं। सरकार का दावा है कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब तक करीब 2.25 लाख लोगों को इस रोजगार मेले के जरिए नौकरी दी जा चुकी है। अब हम विधानसभा स्तर पर रोजगार के मेलों को हम आयोजित कर रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में 7 लाख के आसपास बेरोजगार नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में सेवायोजित करने का काम सिर्फ रोजगार मेलों के माध्यम से हमने किया। रोजगार मेले में बिना किसी लंबी प्रक्रिया से गुजरे केवल इंटरव्यू या टेस्ट के जरिए युवाओं का सिलेक्शन किया जा रहा है। इससे कंपनियों के साथ साथ उम्मीदवारों को भी फायदा मिल रहा है। छोटे छोटे शहरों में रहने वाले योग्य उम्मीदवारों को केवल इंटरव्यू के लिए बड़े शहरों में न जाना पड़े, इसके लिए अब इस तरह के आयोजन को छोटे छोटे शहरों में भी ले जाने की योजना बनाई जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला जा रहा है 4वां टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। आज मैच के 3रे दिन भारतीय बल्लेबाजों से बड़ा स्कोर खड़ा करने की उम्मीद है। शुक्रवार को 2रे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बिना कोई विकेट गवाए 36 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 17 जबकि शुभमन गिल 18 रनों पर खेल रहे हैं। इससे पहले कल ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 480 रनों के विशाल स्कोर पर समाप्त हुई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन उस्मान ख्वाजा ने बनाया। ख्वाजा 180 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने। ख्वाजा के अलावा ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने भी टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया। ग्रीन 114 रन बनाकर अश्विन का शिकार बने। भारतीय टीम की ओर से रविचंद्र अश्विन सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 51 रन देकर 6 विकेट लिए। शमी को 2 जबकि जडेजा और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिले। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारत फिलहाल 2-1 से आगे चल रहा है।